सुप्रभात, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, राजस्थान विधानसभा का सत्र। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ पानी की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम से जुड़े हुए तमाम विभाग, वित्त, कृषि, चिकित्सा, संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ पशुपालन विभाग से भी संबंधित सवाल जवाब होंगे। साथ में विधायक कार्यक्रम भी होगा और भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 भी पारित होगा। सदन में विधेयक चर्चा के बाद पारित होंगे। प्रदेश में पेयजल विधेयक पर भी सदन में चर्चा होगी। तो 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज देखिए क्या कुछ सदन की कार्यवाही के दौरान होने वाला है, ये भी जान लीजिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ पानी की स्थिति पर इसमें चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री से जुड़े तमाम विभागों को लेकर अनुदान की मांगों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो कृषि हो, चिकित्सा हो, संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े और पशुपालन विभाग से जुड़े संबंधित सवाल जवाब यहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच में होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, सदन में विधायी कार्य, राज्य भूजल संरक्षण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित होगा। सदन में विधेयक चर्चा के बाद होगा पारित। प्रदेश में पेयजल विधेयक पर होगी सदन में चर्चा। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है, आज प्रदेश भर में राशन डीलर्स का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गेहूं के वितरण का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऐसे में 1,07,00,000 परिवारों को गेहूं आज नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज प्रदेश भर में राशन डीलर्स का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गेहूं के वितरण का बहिष्कार करेंगे, 1,07,00,000 परिवारों को नहीं मिलेगा गेहूं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, आज से राशन डीलरों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज से प्रदेश भर में राशन डीलरों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है, जयपुर से ये जानकारी है। और सामूहिक तौर पर ये बहिष्कार जो है वो गेहूं के वितरण का किया जाएगा। गेहूं के वितरण का बहिष्कार, आज से राशन डीलरों का प्रदर्शन रहने वाला है, गेहूं के वितरण का बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। एक सफाई कर्मचारियों की एक तरफ हड़ताल चली रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 1,07,00,000 परिवारों के लिए आज से मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रदेश भर में राशन डीलर्स का प्रदर्शन आज से शुरू हो रहा है। गेहूं के वितरण का बहिष्कार किया जाएगा, कई मांगे हैं इसको लेकर। राशन डीलर्स आज हड़ताल पर जा रहे हैं और ऐसे में जो 1,00,00,000 से ज्यादा परिवार हैं जिनके पास फूड किट पहुंचती है, उनके लिए मुश्किलें जरूर होने वाली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, गेहूं के वितरण का आज से बहिष्कार राशन डीलर्स की तरफ से शुरू होने वाला है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर राशन डीलर्स आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। और ऐसे में खास तौर पर वो लोग जो सरकारी योजना यानी कि फूड किट के लाभान्वित हैं, 1,00,00,000 से ज्यादा की उनकी संख्या है, उन परिवारों के लिए मुश्किलें आज से बढ़ने वाली हैं। और उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर अशोक नगर में खुला पाताल का रास्ता। अशोक नगर में मुख्य सड़क पर गड्ढा बन गया है। मेन रोड पर अचानक सड़क धस गई और ये माना जा सकता है कि गनीमत रही कि हादसा नहीं हो पाया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से लेक सिटी जो है मॉल के बाहर, देखिए किस तरीके से अचानक मेन रोड पर सड़क धस गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, गनीमत रही कि यहां पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आनन फानन में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है और अब बताया जा रहा है कि इसे भरने का काम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देखिए उदयपुर से अशोक नगर के अंदर पाताल का रास्ता हम कह रहे हैं कि खुल गया है। वजह क्यों, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा गड्ढा अशोक नगर में मेन रोड पर हो गया, अचानक सड़क धस गई। हालांकि गनीमत रही कि वहां से कोई वाहन उस वक्त नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेक सिटी मॉल के बाहर की ये सड़क है, जहां पर अचानक सड़क धस गई और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया।
तो तस्वीर आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिली है। और आनंद फानंद में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मेन रोड पर अचानक से सड़क धस गई है, एक हादसा चल गया है। लेक सिटी मॉल के बाहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, यहाँ से पूरी तरीके से आवागमन बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो नहीं हो रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेन रोड का इलाका है जहाँ पर सड़क धंसने का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। हालांकि इस रोड पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। मेन रोड यह है, जगह जगह बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगह सड़क धंसने की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये लेक सिटी है, ये उदयपुर है, ये टूरिस्ट प्लेस है, आए दिन यहाँ पर पर्यटक आते हैं और ये मेन रोड है। बड़ी बात यह है कि लेक सिटी मॉल के बाहर की ये घटना है जहाँ पर अचानक एकाएक सड़क धंस गई, लोग डर गए। बड़ी बात ये थी कि वहां से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर में अशोकनगर मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा घटित हुआ जहां पर मुख्य सड़क कई फीट तक जमीन में धस गई। आप देखिए, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तकरीबन 20 से 25 फीट का गड्ढा यहां पर अशोकनगर से यूनिवर्सिटी जाने वाली मुख्य सड़क पर हुआ है। और आप देखिए, देर रात का समय, लेकिन यहां पर वाहनों की आवाजाही आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस रोड पर दिन भर में हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है और यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था यदि जब ये सड़क जमीन में धसी, उस दौरान यदि कोई वाहन यहाँ से गुजर रहा होता तो एक बड़ी घटना यहाँ घटित हो सकती थी। आप देखिए कि ये एक नाला है जो कि आयर नदी में जाकर गिरता है। उस नाले के ऊपर नगर निगम द्वारा प्रॉपर आर्किटेक्चर प्लान किए बिना सड़क का निर्माण कर दिया गया और आज इसका परिणाम भुगतना हुआ। आप देखिए, एक बड़ा हिस्सा, मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि एक ऑटो चालक की सूझबूझ के चलते यहाँ पर वाहनों को रोक दिया गया और लोग यहाँ पर रुक गए, जिससे कोई बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हुई, किसी तरह की जनहानि यहाँ नहीं हुई। और जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं जानकर इसको देखने के लिए कि जो गड्ढा है ये महापौर के घर से महज 100 फीट की दूरी पर है। महापौर का घर यहीं पर नजदीक बना हुआ है और ये नगर निगम द्वारा जो है वो सड़क बनाई गई। और आप देखिए, आपकी लोगों में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर कि यदि मुख्य सड़क पर इस तरह की घटना हो जाती है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी जनहानि यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि यहाँ वाहनों की बड़ी तादाद है जो कि दिन और रात इस मुख्य सड़क से होकर गुजरती है। तो फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और एक तरफा यातायात किया गया है। यहाँ फायर सेफ्टी वाले आपात जो टीम जो है नगर निगम की, वो इस समय मौके पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह की अब जनहानि यहाँ पर ना हो। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। वहीं भरतपुर जिले में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। गणेश नगर वार्ड नंबर 7 में घरों के अंदर पानी तक घुस गया। जलभराव की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे हैं। बारिश ने इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। किचन डूब गया है, बाथरूम डूब गया है, ड्राइंग रूम डूब गया है और यहाँ पर देखिए जो सामान है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। ये घर की तस्वीर आपको दिखा रहे, किसी सड़क की तस्वीर नहीं है। देखिए, बेड आपको दिख रहा है, चारपाई आपको दिख रही है, ये बेडरूम की तस्वीरें है, किचन की तस्वीरें आपको दिखाई, कूलर रखा हुआ है वो भी पानी में डूबा हुआ है, अलमारियां पानी में डूबी हुई है, सामान पानी में डूबा हुआ है, चप्पलें तैर रही है। अब ये आंगन की तस्वीरें हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से लबालब पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोग यहाँ अपने ही घर में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पानी सड़क से ही नहीं बल्कि सड़क से अब होते हुए घर में डूब गया, पानी भर गया, किचन डूबी है और ड्राइंग रूम की तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। तो घर में भी सैलाब नजर आ रहा है, घर में पानी भर जाने के बाद आप स्थितियां देख सकते हैं, घर पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बन गया है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि घर का पूरा सामान भीग चुका है और खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, आंगन पूरी तरीके से डूब चुका है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी भीषण बारिश जो है वो कल भरतपुर में हुई है, जिसके चलते घरों में जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है पानी भर गया है और नीचे का जो पोर्शन होता है घरों का उसके अंदर पानी भर जाने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गणेश नगर का वार्ड नंबर 7 यह है जो पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। बेडरूम पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा घर का ये कमरा है, लेकिन ये इस वक्त कमरा कम स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सोचिए आप, इतने समय से ये पानी यहाँ पर भर रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर इंतजामों की पोल भी खुल गई है।
अब राजस्थान के कुछ जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर झमाझम बारिश से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली लेकिन कई जगह बारिश का पानी परेशानी लेकर आया है। आप धौलपुर, झुंझुनू, कोटपुतली और भिलवाड़ा जिले की तस्वीरें देख रहे हैं। चार तस्वीरें, चार शहर जहां पर देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश हुई। भीषण उमस वाली गर्मी से लोगों को तो राहत मिली लेकिन बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, दरिया बन गई। एक तरफ लोगों को देखिए गर्मी से राहत मिली है तो वही बारिश का पानी लोगों के लिए खासतौर पर सड़कों पर निकलने की वजह से परेशान कर रहा है। धौलपुर, झुंझुनू, कोटपुतली, भिलवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, आप इन अलग अलग तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कहां पर राहत और कहां पर परेशानी लेकर आई है। झुंझुनू की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद हालांकि मौसम में तब्दीली देखने को मिली है और लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। कोटपुतली की तस्वीर जहां पर लोग अपने काम से निकल रहे हैं लेकिन बारिश लोगों के लिए परेशानी जरूर बनी हुई है। धौलपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भर जाने से सीढ़ियों के रास्ते ये पानी नीचे गिर रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी बुधवार को जमकर बारिश हुई। दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में बारिश से जल जमाव की समस्या भी देखने को मिली है और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से भी लोग परेशान रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMG ने आज भी दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया है और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने आज सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया है। भारी बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिले हैं। वहीं दिल्ली में बारिश की वजह से दो लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। माँ बेटे जो नाले में गिर गए थे उनकी मौत हो गई है। तस्वीर आपके सामने, सिर्फ दो घंटे की बारिश के बाद दिल्ली का क्या हाल है ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। सड़कें पूरी तरह से तालाब बन गई हैं, दरिया बन गई हैं, जलमग्न, और ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। निचला इलाका जहां पर दिल्ली में बारिश की वजह से हादसा भी हो गया, नाले में गिरने से माँ और बेटे की मौत हो गई। दिल्ली हो या फिर NCR, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सभी जगह बादल जमकर बरसे हैं। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है लेकिन जलजमाव की वजह से लोगों को परेशानी भी हो गई। ये अंडरपास की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से लबालब पानी अंडरपास में भरा हुआ है और जिसके चलते ट्रैफिक ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है क्योंकि बारिश अगर दिल्ली NCR में होती है तो सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक है और पानी भर जाने के चलते जो सड़कें हैं वो बंद हो जाते हैं और ऐसे में रास्ते बंद होने के चलते पानी भर जाता है और गाड़ियों को आवागमन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और चूंकि जो बारिश की शुरुआत हुई थी वो शाम को ही हुई थी और शाम को जाहिर तौर पर लोगों का ऑफिस से निकलने का वक्त होता है, घर जाने का वक्त होता है लेकिन उन्हें ट्रैफिक के यानी कि जाम के झाम से जूझना पड़ा। दिल्ली के दरियागंज की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर लगातार बारिश की वजह से आफत जो है वो खड़ी हो गई है। दिल्ली के दरियागंज में भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की दीवार गिर गई जिसके नीचे कई गाड़ियां खड़ी हुई थी वो दब गई। तस्वीर आपके सामने है दिल्ली के दरियागंज की। भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की दीवार ढह गई। हादसा यहाँ पर हुआ लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है चूंकि उस वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था। चूंकि स्कूल जो था भाई जाहिर तौर पर सुबह को चलते हैं और ये शाम का वक्त रहा होगा, एक स्कूल की दीवार यहाँ पर गिरी है। जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो जरूर इस मलबे में दब गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कई गाड़ियों के आगे का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। साफ तौर पर एक बार की बारिश ने दिल्ली में जो भीषण तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से निर्माण भी किया जा रहा है। स्कूल की ये दीवार थी जो बहुत कच्ची बनी हुई थी और जो एक बारिश में गिर गई और इसके नीचे कई गाड़ियां दब गई। केदारनाथ से बड़ी खबर है, यहाँ पर भीमबली में बादल फटने से भारी तबाही की खबर आ रही है। शुरुआती खबरों के मुताबिक भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश के बीच लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया है। कुंड को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए SDRF की टीम, NDRF की टीम मौके पर पहुंची है, बचाव कार्य कर रही है। केदारनाथ से बड़ी खबर है, लैंडस्लाइड, भारी लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। रामबाड़ा में भी नुकसान की जानकारी मिल रही है। कुंड को बंद करना पड़ा।
सोन प्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से डरा रही है ये नदी, जो इसका जलस्तर एकदम अचानक बढ़ गया भारी बारिश के चलते। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शुरुआती खबरों के मुताबिक भारी से भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। भीमबली ये इलाका जहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही की खबर आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा माना जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है असल तस्वीर सामने आ पाएगी। बिल्कुल, उत्तराखंड का सोन प्रयाग यह है जहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ने के बाद सैलाब नजर आया और काफी नुकसान जो है निचले इलाकों को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड भी बताई जा रही है, जिसके चलते भी पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रास्तों पर आ गए और कई पत्थर घरों पर गिर गई हैं, जिसके चलते भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये बारिश खतरे भरी है, इसलिए इस वक्त पहाड़ों पर जाने से बचिए, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड या फिर बादल फटने की घटना हो सकती है। हम लोग साइड में रहते थे, सीसी सिस्टम जो कंपनी के साइड में गदेड़ा पुल चल रहा सिस्टम, सीसी सिस्टम कंपनी के बराबर कंपनी के बाहर पानी चल रहा, बिल्डिंग हम लोग काफी डरे हुए बाहर, हम लोग डर के बाहर से पता नहीं लगा हम लोग कैसे निकल के आए हैं, सब कटके उधर से रोड के बराबर पानी चल रहा, रोड के ऊपर भी हो गया, रोड के ऊपर आ गया पानी, कट गया ये पुराना वाला पुल था वो कट के निकल गया है, हो सकता पुल छू रहा पानी। करौली में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। बग्गी खाना राम द्वारा में सड़क पर पानी भर गया है। पानी भरने से गणेश गेट और होली खिड़किया का मार्ग बंद हो गया है। कई स्थानों पर घर और दुकानों के अंदर भी पानी घुसने की जानकारी मिल रही है। मोटर लगाकर पानी को लोग निकालते हुए नजर आए हैं। प्रशासन की लापरवाही से कई स्थानों पर 2016 जैसे हालात बन गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। चाहे वो बग्गी खाना हो, राम द्वारा हो, वहां पर सड़क में जबरदस्त तरीके से पानी भर गया। पानी भरने से गणेश गेट और होली खिड़किया मार्ग को बंद करना पड़ा है। कई स्थानों में घरों के अंदर दुकानों के अंदर लबालब पानी भर गया। मोटर लगाकर पानी को बाहर निकालना पड़ा है, ये स्थिति बन गई। प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई जगहों पर 2016 जैसे हालातों की याद आ गई। संवाददाता धर्मेंद्र फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। धर्मेंद्र, करौली में क्या हालात हैं, क्योंकि बारिश से काफी नुकसान बताया जा रहा है। जी देखिए, बताना चाहूंगा कल शाम रात 8 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ था, जो रात 1 बजे तक जारी रहा। इस दौरान 181 mm से अधिक बारिश क्षेत्र में हुई है, जिसके चलते कई स्थानों पर जबरदस्त पानी भर गया है। बात करें गणेश गेट से अंबेडकर सर्कल जाने वाले रास्ते पर काफी पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही बजीपुर दरवाजे से ट्रक यूनियन जाने वाले रास्ते पर होली खिड़किया मार्ग पर पानी भरा हुआ है। कई स्थानों पर घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को मोटर लगाकर पानी निकालना पड़ा है। यही हालात 2016 में तेज बारिश के चलते हुए थे, और साथ ही पानी की भी जबरदस्त आवक पांचना बांध में हुई है, जिसके चलते उसका जलस्तर भी 258.15 मीटर पहुंच चुका है। जी धर्मेंद्र, तस्वीरें भी आपने जो भेजी है, सड़कों पर भी पानी दिख रहा है, घरों के अंदर भी पानी दिख रहा है, क्या उसे निकालने के लिए अब काम प्रशासन की तरफ से करना शुरू किया गया? जी देखिए, ये हालात कमोबेश बारिशों में अक्सर कर होते हैं, और इसको लेके हमेशा क्षेत्रवासी प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन प्रशासन की निश्चित तौर से लापरवाही है, जिसके चलते समय रहते नालियों की सफाई नहीं की गई। साथ ही जो पानी भरने की ये आम समस्या है, इसके समाधान के भी प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते एक बार फिर से 2016 के ऐसे हालात बने। क्षेत्रवासी अभी तक अपने स्तर पर लगे हुए हैं, हालांकि अभी शुक्रिया धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोग अपने स्तर पर तो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहल नहीं हुई। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली की बड़ी दरों के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। और आज से प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। राज्य सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। कानून व्यवस्था पर भी सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। महंगाई से जनता की कमर टूटी है, डोटासरा की तरफ से कहा गया है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी सरकार फेल है। डोटासरा लगातार सरकार पर हमलावर आरोप लगाते हुए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर महंगाई हो, उनका कहना है कि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं दिया, यानी कि सदन के अंदर जो सवाल किए गए उसका जवाब सही तरीके से सरकार नहीं दिया रही है। इसीलिए हम सड़कों पर उतरेंगे आज, खास तौर पर बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं, जो पिक चार्ट बढ़ाया गया है,
उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आने वाली है। प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, जोरदार तरीके से सड़क पर उतरकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो या फिर और अलग अलग। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एक अगस्त को प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिजली का हम 1 तारीख और 2 तारीख को पूरे ब्लॉक और जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार पर महंगाई बढ़ाने का लगाया आरोप। पहले फ्यूल सरचार्ज में मिल रही छूट को खत्म करने का फैसला और उसके बाद फिक्स चार्ज में 10% इजाफा करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलने की तैयारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त को प्रदेश भर में कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर महंगाई से जनता की कमर तोड़ने का आरोप लगाया। बिजली का हम 1 तारीख और 2 तारीख को पूरे ब्लॉक और जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली पानी पे एक चर्चा की बात कर रहे हैं, हम चर्चा में भाग लेंगे और तंजीम को घेरेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा न सिर्फ बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं बल्कि कानून व्यवस्था के मुहाने पर भी सरकार को फेल बताया। जब से विधानसभा का गठन हुआ है, पहली विधानसभा, तब से लेकर के आज तक ऐसा कोई सत्र नहीं आया जिसमें कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा नहीं हो। आप डिमांड में भी कानून व्यवस्था पे गृह पे चर्चा नहीं कराना चाहते, आप अलग से भी चर्चा नहीं कराना चाहते। इनका सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने 200 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट को बंद करने का फैसला लिया था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये कमावत है। सो चूहे बिजली खा के गंगा जी चलने लगी है। इस बिजली का भट्ठा बैठाने वाली कांग्रेस, जिन्होंने इस इतने कर्जे के नीचे देखे गए हैं कि आज किसान गरीब सब रो रहे हैं, ये फ्री ले लो। आज 2022-23 तक किसान के डिमांड नोट्स भर के एक एक किसान 5-5 लाख रुपए डिमांड नोट्स भर रहा है, और आज 2017 तक नेक्स्ट किए हैं हम बिजली सुधार के लिए। कोई मामूली बहुत कोई वृद्धि हुई है उसके लिए भी संज्ञान ले रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। वहीं सोमवार को 3 बिजली कंपनियों की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में नया टैरिफ प्लान लागू कर दिया है, जिसमें साल 2024-25 के लिए निर्धारित किए गए बिजली के नए टैरिफ में बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर दूसरी श्रेणी में एनर्जी चार्जेस में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पहले से निर्धारित फिक्स चार्ज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर।